हम सबके मध्य विराजमान राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रुस्तम सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री मुंशीलाल जी, हमारे अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज सिंह कक्साणा जी, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन गीता हरसाना जी, पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह जी, श्री अशोक अर्गल जी, श्री नागेन्द्र तिवारी जी, श्री केदार सिंह बाबू जी, सभापति अनिल गोयल जी, राम कुमार भाईसूरी जी, दिनेश जैन साहब, वीरेंद्र हरसाना जी, सैनी सरमार जी, आयुन जी और डॉक्टर सरल, डॉक्टर संजय शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर गुप्ता, जिले के कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अस्पताल परिवार के सभी स्टाफ के सदस्य और बाहर से बहुत सारे चिकित्सक बंधु इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूर दराज से प्रतिकूल मौसम में मुरैना में पधारे हैं, उन सबका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूं डॉक्टर पुनीत रस्तोगी हमारे इस अंचल के बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो डॉक्टर पुनीत रस्तोगी का जब नाम लेता हूं तो इस शिविर में बाहर से सहयोग करने वाले जितने डॉक्टर हैं उन सब का मैं हृदय से इस मौके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे देश की आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। महोत्सव और उत्सव, इसकी दो प्रकार की कल्पनाएं सामान्यता है। अगर उत्सव है तो खुशी का अवसर है, महोत्सव है तो भी खुशी का अवसर है। इसलिए खुशी के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, मनोरंजन का कार्यक्रम होना चाहिए। सामान्यतः ऐसी ही कल्पना लोगों की रही और जब जब ये परिस्थिति आई तो देश ने, सरकारों ने इसी प्रकार से उत्सवी कार्यक्रमों का आयोजन किया। लेकिन आज जब आजादी 75 का आयोजन देश भर में हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय किया तो उनके मन में रंगारंग कार्यक्रम की कल्पना नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये जो अमृत महोत्सव का अवसर है, यह अवसर जो हमारे संकल्प अधूरे हैं उनको पूरा करने का है, और जब आजादी 100 वर्ष की होगी उस समय जो भारत का नक्शा होगा उसका संकल्प करने का यह वर्ष है। और इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों के माध्यम से
विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजना हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, देश के हर कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि मेलों का आयोजन किया गया, विकास खंडों पर फसल बीमा योजना की पाठशाला संपन्न हुई, स्टार्टअप की कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़े जा रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व संरचना खड़ी करने के साथ साथ संजीवनी केंद्र बने, वेलनेस सेंटर बने, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो और जो हमारे देश की गरीब आबादी है, अगर वो असहाय रोगों से पीड़ित है तो या असहाय रोगों का शिकार होने वाली है तो ऐसे तमाम सारे लोगों को एक शिविर में बुलाकर उनका इलाज किया जाए, यह कार्यक्रम भी देश भर में चल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना है उसी के अंतर्गत मुरैना जिले में भी यह आयोजन आज संपन्न हो रहा है। हम सब चंबल क्षेत्र के निवासी हैं। हमारा जिला दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ है। अस्पताल की सुविधा नीचे तक पहुंचाने का सरकार का प्रयत्न है, लेकिन प्रयत्न कितने भी हो, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में वो काफी नहीं होते। इसलिए समय समय पर शिविरों का आयोजन करके आम गरीब आदमी को भी सुविधा प्राप्त हो सके, इस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान में होगा कि हमारे जिले में नेत्र शिविरों का आयोजन हुआ और दो नेत्र शिविर में 2,500 लोगों को रोशनी देने का काम किया गया और मैं समझता हूं 8,000 लोगों को आंखों का इलाज मिला। हम लोगों का संकल्प है कि आने वाले 2 वर्षों में बड़ी मात्रा में आंख के ऑपरेशन और कराए जाएं और हमारा जिला यह अंधत्व निवारण की दृष्टि से भी राज्य में पहले नंबर पर आए कि आप किसी की आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, होना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से लगातार यह प्रयत्न किया जा रहा है। मुरैना के लोग 2003 से पहले के अस्पताल को भी भली भांति जानते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार पुराने अस्पताल को भी उन्नयन करने का काम किया, वहां जो उपकरण इत्यादि की व्यवस्था है वो भी बढ़ाने का प्रयत्न किया और बड़ी मात्रा में चिकित्सा की सुविधा प्रदान हुई। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि रुस्तम सिंह जी इस क्षेत्र से मंत्री हुआ करते थे, उस कालखंड में 300 बेड का एक और नया अस्पताल भवन और उपकरण सहित बने, यह रूपरेखा बनी थी। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि नई बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, बहुत सारे उपकरण आ गए हैं, कुछ उपकरण पाइपलाइन में जल्दी आने वाले हैं
और आज हमारा मुरैना नगर निगम होने के साथ साथ 600 बिस्तर के अस्पताल वाला भी क्षेत्र बन गया है, इसका हम सब लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही गौरव है। इस समय हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी सभी अधिकारीगण मौजूद हैं, जिले के कलेक्टर भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अस्पताल का भवन तैयार है, अधिकांश मात्रा में उपकरण आ गए हैं, सारे उपकरणों की फिटिंग इस माह के अंत तक हो जाए और इस महीने के अंत में नई बिल्डिंग में अस्पताल चालू हो जाए, हम उद्घाटन के कार्यक्रम का इंतजार न करें। तो इस सुविधा का लाभ हमारे मुरैना की आम जनता को मिलने लगे, इसी के लिए इतना पैसा खर्च किया गया है, इसी के लिए सुंदर भवन बनाया गया है। आज मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि कल मुरैना जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित हैं। आज भी मैं पहाड़गढ़ क्षेत्र में जा रहा हूं, कैलारस से पहाड़गढ़, पहाड़गढ़ से धौना करहार होते हुए श्योपुर जिले के सहसराम तक 300 करोड़ रुपए की लागत से एक नवीन सड़क का भूमि पूजन संपन्न होने जा रहा है। जब जंगल से होके सड़क निकलेगी तो इस क्षेत्र का कितना विकास होगा हम सब भलीभांति जानते हैं। यह 300 करोड़ की पहली सड़क नहीं है, ऐसी हजारों सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अभी तक मुरैना जिले में बनाई गई है। कल मुरैना नगर में संजीवनी केंद्रों का भी भूमि पूजन संपन्न होने वाला है। कल 18 सड़कें मुरैना नगर में नई बने, इसके टेंडर हो गए हैं, कल उनका भूमि पूजन हो जाएगा और मुरैना नगर में भी यह बड़ी सुविधा कल से काम प्रारंभ करने की दृष्टि से शुरू हो जाएगी। मैं इस अवसर पर बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह समय शिविर का है, डॉक्टर्स बाहर से आ चुके हैं, उनका भी समय कीमती है, मौसम की प्रतिकूलता है, दूर दराज क्षेत्रों से पेशेंट भी अपने को दिखाने आ गए हैं। यह शिविर सफल हो, इस शिविर के माध्यम से बड़ी मात्रा में लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिले, इस अवसर पर यही कामना करते हुए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत।